ये जो स्क्रीन पे आप थोड़े से खूंखार से आदमी देख रहे हैं, ये कोई नहीं बल्कि आपके अपने चार्ल्स डार्विन जी हैं। चार्ल्स डार्विन, जिनका नाम आपने सुना है, छठवीं कक्षा से लेकर आपके 12th क्लास तक अगर आपने बायोलॉजी से पढ़ाई की है तो, इन्होंने ही बताया था कि मानव का, ह्यूमंस का, या किस प्रकार से हम कह सकते हैं इवोल्यूशन हुआ, ठीक है, किस प्रकार से विकास हुआ, ये बताया था मिस्टर चार्ल्स डार्विन ने। अब आपके मन में सवाल ये आ रहा होगा कि हम ये चार्ल्स डार्विन के बारे में, ये भाई साहब के बारे में हम इतना क्यों पढ़ रहे हैं। हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमको पढ़ना है इमोशंस, हमको पढ़ना है संवेग के बारे में, ठीक है। और संवेग के बारे में सबसे पहले अगर कोई बात करता है इस दुनिया में तो वो है मिस्टर चार्ल्स डार्विन, ठीक है, जिन्होंने 1872 में एक पुस्तक लिखी जिसमें बताया कि ह्यूमंस एंड एनिमल्स जो है, मतलब मानव एवं जीव जंतु जो है, ये क्या करते हैं, ये संवेग शो करते हैं, इमोशंस शो करते हैं, राइट। तो उनकी किताब जो आती है 1872 में, इसका नाम होता है द एक्सप्रेशंस ऑफ इमोशंस इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स। मतलब उनका ये कहना था इस पुस्तक में जो आई 1872 में, कि जो ह्यूमंस है, जो मानव है एवं जो जीव जंतु है, एनिमल्स, ये क्या शो करते हैं, ये शो करते हैं संवेग, लगभग लगभग एक जैसे, ठीक है, लगभग लगभग कैसे, एक जैसे, है ना, प्यार का संवेग, ठीक है, डर का, है ना, ये जो संवेग है जिसके किसमें काम आता है, ये काम आता है मेटिंग के दौरान, है ना, ये बताता है एक दूसरे के बिहेवियर को, जानवरों को मालूम पड़ता है कि उनको खतरा कब है ना, ये सब कैसे मालूम करते हैं वो मालूम करते हैं संवेगों के द्वारा, ठीक है। तो ऐसा आप सोचिए 1872 में ही, पहले ही मिस्टर चार्ल्स डार्विन ने बता दिया था, ठीक है। तो उनका कहना था कि सभी कल्चर्स में, है ना, सभी संस्कृतियों में संवेग एक प्रकार से ही पड़ा हुआ है, ठीक है, ये संवेगों का क्या हुआ है, एक प्रकार से विकास हुआ है, ठीक है, सभी तरफ में, चाहे वो इंडिया की बात करें, चाहे वो अमेरिका की बात करें, है ना, वहां के जानवर, वहां के ह्यूमंस भी क्या करते थे, एक दूसरे को संवेग शो करते थे, है ना, इसका भी क्या हुआ है, एक प्रकार से आपका इवोल्यूशन हुआ है ना, इसका भी क्या हुआ, एक प्रकार से विकास हुआ है आपके संवेगों का, जो आज हम पढ़ते हैं कौन सा, न्यूरोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल, ठीक है, या कॉग्निटिव, ये सब तो ठीक है, लेकिन सबसे पहला जो हम बात करें, हमारा जो इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव है ना, इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव की बात करें, हमारा विकासवादी परिप्रेक्ष्य जो है वो यही कहता है, ठीक है, कि जो इमोशंस हैं ये कैसे हैं, एक दिन में नहीं आ गए, ठीक है, ये पहले से ही क्या हो रहा है, इनका विकास हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप सोचिए, अगर जो बाद के साइंटिस्ट, जो साइकोलॉजिस्ट थे, उनको मालूम पड़ा संवेगों के बारे में, ठीक है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि उसके पहले जो जानवर थे वो डरते नहीं होंगे, या जो मनुष्य थे उनको घबराहट में, है ना, चिंता नहीं होती होगी, या फिर वो डर का अनुभव नहीं करते होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं था, ठीक है। तो चार्ल्स डार्विन कहीं ना कहीं सही बात कह रहे थे कि इसका भी क्या हो रहा है, संवेगों का भी क्या हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है, ऑलराइट। तो हम ये कह सकते हैं कि सभी कल्चर्स में, सभी संस्कृतियों में डर का अनुभव, है ना, सुख, है ना, खुशी, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं और आपका भय, है ना, जितने भी आपके बेसिक इमोशंस हैं, है ना, मूल संवेग हैं, ये सब क्या करते हैं, सभी कल्चर्स में देखिए आप, लगभग लगभग क्या है, ये सभी सिमिलर है, ठीक है। तो आप ये मानते हैं कहीं ना कहीं कि जो चार्ल्स डार्विन जी ने बात की थी आपके विकासवादी परिप्रेक्ष्य में, है ना, कि इमोशंस का भी क्या हुआ है, आपके जो संवेग है इनका भी क्या हुआ है, इनका भी इवोल्यूशन हुआ है ना, इवोल्यूशन मतलब आपका क्या हुआ है, इसका विकास हुआ है, आपके जितने भी संवेग है क्या हुआ है, विकास हुआ है इनका। और सभी कल्चर्स में क्या देखने को मिलता है, हमको जो संवेग है लगभग लगभग सिमिलर देखने को मिलता है ना, एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में भी अगर कोई एक डर एक प्रकार से शो कर रहा है, दूसरा भी डर उसी प्रकार से शो करेगा, है ना। तो कहीं ना कहीं क्या है, सिमिलैरिटीज हैं अक्रॉस कल्चर्स, अक्रॉस रेसेस, हर जगह क्या मिलेगी आपको, समानता मिलेगी, हर जगह आपको सिमिलैरिटी मिलेगी, है ना, ऐसा कहना है मिस्टर चार्ल्स डार्विन का। और आज आप देख भी रहे हैं, अन्य साइकोलॉजिस्ट भी ये मानते हैं कि कल्चर में इमोशन लगभग लगभग 80-90% सिमिलर ही होते हैं, है ना। जैसा जापान का बच्चा डर में अनुभव इमोशन शो करेगा, संवेग शो करेगा, वैसे ही अमेरिका का बच्चा भी इमोशन शो करेगा, राइट। तो ये है हमारी सबसे पहली थ्योरी, जो हम क्या कहते हैं, इवोल्यूशन
इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव, ठीक है, किसका, हमारे संवेगों का, विकासवादी परिप्रेक्ष हमारे संवेगों का। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए सबसे पहले क्या आया, कौन सा सिद्धांत आया आपका, सबसे पहले कौन सा सिद्धांत आया आपके इमोशंस का, आपके संवेगों का, तो आप ये कहेंगे कि सबसे पहले जो आया वो आया कौन सा, विकासवादी सिद्धांत, है ना। विकासवादी सिद्धांत मिस्टर चार्ल्स डार्विन ने 1872 में एक पुस्तक लिखी जिसमें उन्होंने बताया ये सबके बारे में। इस पुस्तक का नाम क्या था, पुस्तक का नाम था, आप इसको नोट कर लीजिए, द एक्सप्रेशंस ऑफ इमोशंस, ठीक है, द एक्सप्रेशंस ऑफ इमोशंस इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स, ठीक है। इस पुस्तक में उन्होंने बताया सबसे पहली बार कि हम किस तरह से संवेग का अनुभव करते हैं, सभी कल्चर्स में सिमिलर है ना, ये सारी बातें उन्होंने बताई। और सबसे पहला सिद्धांत तो जो हम पढ़ना है हमको संवेगों के बारे में जो हम पढ़ते हैं वो है विकासवादी सिद्धांत। चलिए, तो मिस्टर डार्विन जो थे उनका कहना है कि मनुष्यों में, आपके मनुष्यों में एवं जानवरों में हमको संवेग देखने को मिलते हैं, संवेग हमको देखने को मिलते हैं, क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये एडेप्टिव है, ठीक है, ये एडेप्टिव है। और साथ ही साथ क्या हुआ, साथ ही साथ क्या हुआ, ये जो इमोशंस हैं इसको हम क्या कर रहे थे, मनुष्य और जानवर क्या कर रहे थे, इसको अडेप्ट कर पा रहे थे, है ना, वो इमोशंस को। और साथ ही साथ इसने क्या मदद की, इसने मदद की जो मनुष्य थे उनको और जानवरों को, किसमें, इनको मदद की इनके सर्वाइवल में, है ना, जीवित रहने में मदद की इन इमोशंस ने। साथ ही साथ इसको मदद की किसमें, इसको मदद की गई आपके इमोशंस को रिप्रोडक्शन के लिए, है ना, जिसे हम कहते हैं मेटिंग का सीजन, है ना, मेटिंग जिसे कहते हैं। आपने कभी देखा होगा कि जो जानवर होते हैं ये क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर सीजन में, है ना, क्या करना चाहते हैं, वो प्रजनन करना चाहते हैं, राइट, वो मेटिंग करना चाहते हैं, है ना, वो रिप्रोड्यूस होना चाहते हैं किसी एक पर्टिकुलर सीजन में, ठीक है। अगर यहाँ पे हम सिर्फ केवल मनुष्य, तो काफी समझदार हो गया है, अगर हम केवल मनुष्यों की बात छोड़ दें, ठीक है, तो जानवर क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर सीजन में ही ये जो एक्टिविटीज करते हैं, ठीक है, मेटिंग की एक्टिविटीज जो होती है एक पर्टिकुलर सीजन में करते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि वो क्या शो करते हैं, उस पर्टिकुलर सीजन में क्या शो करते हैं, वो संवेग शो करते हैं ना, इमोशन शो करते हैं, और यही इमोशंस क्या मदद करते हैं उनको, प्यार, है ना, प्यार और स्नेह, ठीक है, मनुष्य को भी प्यार और स्नेह चाहिए और जानवरों को भी प्यार और स्नेह चाहिए, ठीक है। तो ये प्यार और स्नेह किससे शो होगा, ये शो होगा आपके इमोशन से, ठीक है। जब आप किसी को प्यार भरी नजरों से देखेंगे तो सामने वाले व्यक्ति को मालूम पड़ेगा कि आप में प्यार की भावना है या आप प्यार वाला संवेग शो कर रहे हैं, तो ठीक है। अब मान लीजिए एक कमरे में यहाँ पे एक आदमी बैठा है, यहाँ पे एक आदमी, यहाँ पे एक आदमी, यहाँ पे एक आदमी, अगर आप मेल है तो आप मेल समझिए, अगर आप फीमेल है तो आप फीमेल समझिए, ठीक है, इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए ये एकदम न्यूट्रल है ना, एकदम न्यूट्रल है ये, और ये कोई भी इमोशन शो नहीं कर रहे, ठीक है, तो आपको लगता है कि इनके बीच में कोई भी कन्वर्सेशन हो पाएगा, कोई भी वार्तालाप हो पाएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, है ना। कोई हंसेगा, कोई स्माइल करेगा, कोई गुस्से में देखेगा, ठीक है, तो जो हंस रहा होगा, है ना, और ये भी हंस रहा होगा, तो क्या करेंगे, ये दोनों आपस में मिलके बात करना स्टार्ट करेंगे, राइट, क्यों, क्योंकि इनको क्या हो गया, इनको स्नेह की अनुभूति हुई। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे एक आदमी गुस्से में देख रहा है और यहाँ पे भी एक गुस्से में देख रहा है, तो इनके बीच क्या होगा, इनके बीच लड़ाई होगी, या हो सकता है बिल्कुल भी बात ना करें, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या दिख रहा है, इनको एंगर दिख रहा है ना, गुस्से वाला भाव, गुस्से वाला इमोशन दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसा ही सभी के लिए जरूरी है, जानवरों के लिए भी, है ना, मेटिंग मतलब प्यार, है ना, और स्नेह, ठीक है। और जब जानवर एक दूसरे से खतरा महसूस करते होंगे, मान लीजिए कोई हिरण है ना, वो शेर से खतरा महसूस करते होंगे, तो क्या शो करते होंगे, ये डर भय का इमोशन शो करते होंगे दूसरे हिरणों को, है ना, ताकि सभी भागते होंगे इस शेर से। और ये जो शेर है किसका इमोशन शो करता होगा, ये शो करता होगा एंगर का इमोशन, ठीक है। यही कहना है मिस्टर डार्विन का, ठीक है, कि ये सिखाने की जरूरत नहीं होती है इमोशन, है ना, इनका विकास हो रहा है, ठीक है। जब आदम और ईव ने भी इमोशन शो किया होगा, उसके बाद जो चेन आगे बढ़ती चली गई, है ना, उसमें सभी क्या कर रहे हैं, आप इमोशन एक प्रकार से शो कर रहे हैं, है ना, संवेग एक प्रकार से सभी शो कर रहे हैं, ठीक है। तो यही है मिस्टर चार्ल्स डार्विन का विकासवादी सिद्धांत, ठीक है, कि मनुष्य और जानवरों ने किसके लिए, अपने बचाव के लिए, है ना, जीवित रहने के लिए। अगर मान लीजिए वो शेर से डरते नहीं तो क्या होता, सारे हिरण उस दिन मारे जाते, है ना, सारे हिरण उस दिन मारे जाते और बाकी कोई नहीं बचता, ठीक है। लेकिन मान लीजिए उसी प्रकार मनुष्यों ने अगर किसी से प्रेम नहीं किया होता, है ना, तो क्या होता, आगे उनकी पीढ़ी शायद नहीं बढ़ पाती, है ना, क्योंकि मेटिंग नहीं हो पाती इस कारण से, है ना।
इसीलिए डार्विन जी का कहना है कि इमोशन बहुत जरूरी है ना, और ये विकास हो रहा है इसका, ठीक है। और ऐसा नहीं कि हमारे कल्चर में, भारतीय में या पाश्चात्य संस्कृति में आपके जो इमोशंस हैं, आपके जो संवेग हैं, ये कहाँ मिलेंगे आपको, ये सभी कल्चर्स में, सभी संस्कृतियों में आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये है हमारा नंबर वन टॉपिक, नंबर वन हमारा इमोशन का। सबसे पहले हमने डिस्कस किया आज कौन सा, हमने डिस्कस किया विकासवादी सिद्धांत। हमने डार्विन जी की फोटो देखी, जीवन में पहली बार आपने डार्विन जी की फोटो देखी होगी, है ना, थोड़े से गुस्से वाले हैं वो, है ना। डार्विन जी की फोटो देखी, हमने डिस्कस किया क्या है विकासवादी परिप्रेक्ष्य, क्या है विकासवादी सिद्धांत हमारे संवेगों का, ठीक है। ओके, अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम बात करेंगे हमारा जो नेक्स्ट है JL थ्योरी, ठीक है। अगर आपको मालूम है तो नीचे कमेंट कर दीजिए ये कौन सी थ्योरी है, ये कौन सा सिद्धांत है। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। ओके, थैंक यू वेरी मच।